अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईस्ट लेबॉरेटरी की जानिब से। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर और हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं रबिया ज़ुबैर, उनको वेलकम करती हूं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम जब ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले आज इस पर बात करते हैं कि इस एक साल में ब्रेस्ट कैंसर से कितनी अमवात हुई हैं, अगर उसका अंदाज़ा लगाया जाए। देखिए ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है, आपको एग्जैक्ट फिगर अमवात का देना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं रजिस्टर्ड केसेस की बात करूँगी जो कि अराउंड 60,000 रहे हैं लास्ट ईयर में जी। और अगर हम इंसिडेंस की बात करें तकरीबन हमारे कंट्री में इस वक्त 1 in 9 एवरी फीमेल इज़ गेटिंग डायग्नोज विद अ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है और ऑब्वियसली जिस स्टेज पर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होगा तो उस हिसाब से भी अमवात की शरह जो है वो बढ़ती चली जाती है जी। अच्छा अब मुझे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बताएं कि अगर हम अवेयरनेस की बात करें, अगर शहरों की तरफ करें तो वहाँ पे तो देखें इतनी अवेयरनेस तो है औरतों को, ख़वातीन को, मर्द हजरात को, फिर जहाँ हम गांव देहात की तरफ जाते हैं वहाँ आपने क्या देखा कि वहाँ इतनी अवेयरनेस है ब्रेस्ट कैंसर के क्या अलामत हैं, उनको बताया गया है कि अगर इस तरह से कुछ चीज़ें हो रही हैं तो फिर आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, किस तरह से वहाँ अगर हम वहाँ की बात करें? एक्चुअली ये देहात और छोटे कस्बे ही हैं जिनको असल में टारगेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शहरों के हालात थोड़े से बेहतर हैं, फीमेल पेशेंट्स चली जाती हैं, फीमेल सर्जन अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा कि वो चली जाती हैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, मगर छोटे शहरों में या देहात वगैरह में फीमेल सर्जन ही अवेलेबल नहीं है। तो फीमेल्स बड़ी जो है वो शाय हो जाती हैं, शर्म आती है जाते हुए, तो वहाँ पर जो है ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही लेट स्टेजेस में डायग्नोज होता है। हम मल्टीपल टाइम बताते हैं कि अपना जो है मुआयना करती रहें छाती का हर महीने में और फौरी तौर पर डॉक्टर के पास है, तो डॉक्टर ही जो है उनको अवेलेबल नहीं है। तो बहरहाल किसी घुटली का मौजूद होना छाती के अंदर, बगल के अंदर कुछ कुछ उभार का महसूस होना या कुछ रेडनेस का होना, तो फौरी तौर पर अगर ऐसा कुछ अलामत महसूस करें तो अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि उसको अर्ली स्टेज पर डायग्नोज किया जा सके। ठीक। अच्छा अब डॉक्टर साहबा, अगर किसी को घुटली महसूस होती है अपने जो है शोल्डर के करीब या ब्रेस्ट में, तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए। अमूमन लोग ये कहते हैं कि ये तो कोई आज 10 साल पहले से है और तकलीफ़ नहीं देती, प्रॉब्लम नहीं करती, इस तरह के भी बहुत लोग हैं। मैं ऐसे एक दो खवातीन को जान जिन्होंने कहा बचपन से है कोई मसला ही नहीं हुआ, तकलीफ ही नहीं है, अब तकलीफ हो तो जाए ना। बिल्कुल। अच्छा इसमें यही है कि जो ब्रेस्ट कैंसर की घुटली होती है अमूमी तौर पे ये पेनलेस होती है, इसमें दर्द होता ही नहीं है। अच्छा। और इसीलिए जो है ये मरीज़ का जहन डाइवर्ट हो जाता है कि चले इसको छोड़ देते हैं। अपने डॉक्टर के पास जाइए ताकि डॉक्टर आपके लिए सही इन्वेस्टिगेशन को चूज़ कर सके। अगर आपकी एज 35 से बिलो है तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छी मोडालिटी है ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। अगर एज 35 से प्लस है या 40 से प्लस है तो इसमें हम मैमोग्राम की तरफ जाते हैं, अगेन बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन, आम जबान में इसको छाती का एक बहुत अच्छा सा एक एक्सरे कहा जाता है, वो भी है। देन वी हैव MRI, MRI की अपनी सिग्निफिकेंस है स्क्रीनिंग केसेस में, जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव आ रही है उन पेशेंट्स को MRI जो है हम सजेस्ट करते हैं, या जिन पेशेंट्स में रिकरेंस दोबारा ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है उनमें MRI। तो क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा आपके अलामत को, एज को देखते हुए, तो उसके लिए डॉक्टर से मशवरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर जो है जितने केसेज आपने देखे हैं उसमें क्या एज लड़कियों की आपने देखी? अच्छा ये सिचुएशन भी मैं नहीं आपको बताना चाहूँगी कि एक ज़माना था आज से कुछ साल पहले तक का, 5-6 साल पहले तक का, ये 35-40 ईयर्स के बाद ज़्यादा आपको मिलता था। ठीक। लेकिन आजकल जो इसका इंसिडेंस है वो इवन अंडर द एज ऑफ 30 ईयर हम वो पेशेंट्स देख रहे हैं जो कि 22 ईयर की भी हैं, जो 24 ईयर की भी हैं, तो वो भी आ रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ। इन पेशेंट्स के अंदर जो है फैमिली हिस्ट्री जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा। ये यूजुअली वो लड़कियां होती हैं जिनकी फैमिली में किसी ना किसी को कैंसर मौजूद है, तो यंग एज में इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री नहीं है और अगर उसको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो क्या वजूहात कोई ऐसी है, हम कि हर बीमारी का कहते हैं कि ये बीमारी अगर आपको हुई है तो आप ये चीज़ें कर रहे थे या इस तरह की आपका लाइफ स्टाइल था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से बीमारी हुई। किडनी का हम कहते हैं कि ये चीज़ें जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से, हार्ट पेशेंट हो गए तो ये आपकी जो है एक्टिविटीज़ ऐसी थी, खाना ऐसा खाते थे उसकी वजह से, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल, इनको हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। इनमें कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि मॉडिफाइबल हैं, जिनके बारे में लकीली हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल हैं। अब नॉन मॉडिफाइबल की पहले बात करें, जैसे मैंने कहा कि फैमिली हिस्ट्री, आप अपनी फैमिली हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एज ऑफ मेनार्की, वो एज जिसमें लड़कियों को महामारी स्टार्ट हो जाती है, हमें पता है कि नॉर्मल एज 12 साल है, लेकिन आजकल कुछ हमारी गजाएँ ऐसी हैं कि लड़कियों को 9 से 10 साल की उम्र में महामारी स्टार्ट हो जाती है, ये बच्चियाँ रिस्क पर हैं कि इन फ्यूचर जाके इनको ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकते हैं। लेट एज ऑफ मीनोपॉज, मीनोपॉज की एज जो हमारे यहाँ सेटअप में यूजुअली जो है 48 to 52 ईयर्स है, लेकिन किसी खातून में अगर महामारी लंबी चले लाइक 55, 56, 57 ईयर,
तो वो ख़वातीन भी रिस्क पर रह जाती हैं। अच्छा, तो अच्छा, कुछ ख़वातीन जिनके यहाँ जो है पहली औलाद थोड़ी सी लेट हो आफ्टर 32 ईयर्स, ऐसी ख़वातीन के अंदर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं। जो ख़वातीन माँ बन चुकी हैं लेकिन बच्चों को दूध नहीं पिलाया, उन ख़वातीन में ये रिस्क फैक्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं। ओबेसिटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा। और वो क्यों है? क्योंकि हमारे समय जो फैट होती है वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लगती है। ये एक हार्मोन है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को ज़्यादा प्रिवेल करता है, तो इसलिए अपने लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने की ज़रूरत है। आजकल डिफरेंट स्टडीज़ आ रही हैं विटामिन डी के साथ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का लिंक। विटामिन डी एक बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है, सूरज की शुआओं से हमें हासिल होता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी ख्वातीन में बड़ा कम मौजूद होता है। बहुत कम। और मेरे ख्याल हम में से जो बिल्कुल सही दिखने वाली ख्वातीन है वो भी अपने लेवल्स कराएं तो लो आ रहे हो। बिल्कुल। तो विटामिन डी का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप आजकल जो है वो स्टडीज़ में आ रहा है कि अगर इसकी जो लेवल्स आपके जिस्म में नॉर्मल हो तो ये आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क से महफूज रखेगा। अच्छा। क्योंकि इसका रिलेशनशिप ये देखा गया है कि ये ब्रेस्ट के जो नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है और जो एबनॉर्मल सेल्स हैं जो कि ट्यूमर या कैंसर के सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता अच्छा। है, तो इसलिए इसका अच्छा इफेक्ट है। अपने लेवल्स चेक करवाते रहने चाहिए और अगर कम है लेवल्स तो उसकी ट्रीटमेंट आजकल बड़ी आसान है। पहले जो है वो इंजेक्शन लगवाए जाते थे, अब ओरल कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, वो ले सकते हैं। मतलब अगर धूप से आप विटामिन डी नहीं ले रहे, जो कि पहले दौर में तो सुबह औरतें मर्द जो हैं वो घर से निकल के छतों पर ठंडी धूप जिसे कहते थे, बड़ी अच्छी चीज़ें होती थी जो अब मिसिंग है। अब हमें नहीं वो चीज़ें पाई जा रही, शायद इसीलिए बहुत सारी बीमारियों में भी जा रहे हैं। तो अब जो है वो कैप्सूल जो है वो ज़्यादा नेचर का सब्सटीट्यूट, हमें कुछ ना कुछ तो ढूंढना है। जब हम सूरज से नहीं ले पाते तो फिर हमें दवाइयों से लेने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, विटामिन डी कम होता है तो क्या बॉडी में क्या ऐसा वो होता है, चेंज आता है कि आपको पता चल जाता है? फिर मैं आऊंगी टॉपिक पे थोड़ा सा ये ताकि विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी हड्डियों में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है। तो अगर विटामिन डी कम है हमारी ख्वातीन में, आप अक्सर सुन रहे होंगे कि मुझे थकन महसूस होती है, मैं ज्यादा काम ना भी करूँ तो मैं थकी थकी रहती हूँ, मुझे नींद बहुत आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम तो यही है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। ठीक है। और जिनकी जोड़ों में दर्द होता है बिल्कुल विटामिन डी लेवल चेक कराएं, सूज जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। और विटामिन डी कैल्शियम के लेवल्स उसमें चेक करने चाहिए, साथ में यूरिक एसिड भी, वो जोड़ों के दर्द से रिलेटेड हो जाता है। लेकिन ये कि अक्सर ख़वातीन में मिलता है हमें ये कम विटामिन डी लेवल। ठीक। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी खातून को एक बार होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद, क्या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर या दोबारा होने का भी चांस है? अच्छा, इसमें यह है कि आपका जो पेशेंट का ब्रेस्ट कैंसर है वो किस स्टेज पर डायग्नोज हुआ। स्टेज वन, स्टेज जीरो का अगर है तो इसमें तो रिकरेंस के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर स्टेज फोर का या एडवांस्ड कैंसर है तो उसमें रिकरेंस के चांसेस होते हैं। बट अगेन, अगर वो रिकरेंस अर्ली स्टेज पर डायग्नोज हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी बड़ा अच्छा मौजूद है। अच्छा जी, ठीक। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई तकलीफ़ नहीं होती ब्रेस्ट कैंसर में, पता नहीं चलता आपको, कोई तकलीफ़ महसूस हो तो डॉक्टर के पास जाया जाए। जब कोई तकलीफ़ ही नहीं होती और फिर वो स्टेज टू और स्टेज थ्री या लास्ट स्टेज में पता चलता है, तो फिर उसके बाद कोई ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है। देखिए, स्टेज फोर तक हम कहते हैं इवन अगर जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैला हुआ है तब भी उसके लिए ट्रीटमेंट मौजूद है। अच्छा। हाँ, रिजल्ट्स उतने अच्छे परफेक्ट नहीं मिलेंगे जितने कि अर्ली स्टेज कैंसर में है, बट किसी भी स्टेज का कैंसर हो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट मिलकर उसका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे और पेशेंट की जितनी भी लाइफ है आगे उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पहले डॉक्टर साहब ये होता था कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो ब्रेस्ट जो है वो रिमूव कर दिया गया, तो अब ट्रीटमेंट किस तरह के ट्रीटमेंट हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो जदीद तरीन है, उनके हवाले से अगर बताना चाहें? अगेन, बात ये है कि स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर अर्ली स्टेज का कैंसर है इसमें ब्रेस्ट को बचाया भी जा सकता है, ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि हम पूरा ब्रेस्ट रिमूव करें, ब्रेस्ट को बचाया भी जा सकता है। अगर ब्रेस्ट रिमूव करने की ज़रूरत पड़ गई है देन वी हैव इम्प्लांट्स, हम इम्प्लांट लगा के ब्रेस्ट के कॉन्टोर को, उसकी शेप को बेहतर कर सकते हैं। कुछ फ्लैप्स हैं, मसल्स के फ्लैप्स होते हैं जो कि हम लगा के ब्रेस्ट की शेप पेशेंट को दे सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में ब्रेस्ट पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, तो मरीज़ हमेशा ये मत सोचे कि मेरे कॉस्मेटिक पे जो है फ़र्क पड़ेगा कि ब्रेस्ट पूरा निकाल दिया जाएगा, ब्रेस्ट को बचा भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं अगर अर्ली स्टेज कैंसर है तो। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन जब पेशेंट आता है तो वो आपको पता ना कि सबसे ज़्यादा तो ख़वातीन को ये होता है कि खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी और हम किस तरह लोगों को फेस करेंगे, इस तरह के कितने पेशेंट आपके सामने? बिल्कुल, मेरे ख्याल हर दूसरी खातून जो है रिगार्डलेस ऑफ द एज, चाहे एज ज़्यादा है या कम है, वो यही कहती है कि कितना अजीब लगेगा कि एक ब्रेस्ट है और एक नहीं है। हम उन्हें ये समझाते हैं कि ब्रेस्ट होना ऑब्वियसली किसी खातून के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आपकी जान का बचना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हमारे पास बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, अगर पेशेंट कोई बड़ी सर्जरी या कोई फ्लैप मसल का नहीं लगवाना चाहती, हमारे पास सिंपल एक्सटर्नल इम्प्लांट्स भी हैं जो कि मरीज़ की शेप को, लुक को बेहतर बना सकते हैं।
तो ऑब्वियसली जान ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम मरीज़ को यही बात समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी माँ को ब्रेस्ट कैंसर है, तो वैसे तो आपने कहा फैमिली हिस्ट्री, पर अगर किसी माँ को है तो उससे उसकी बीवी बेटी को भी हो सकता है? बहुत चांसेस हैं, ना सिर्फ बेटी को, उसकी इन फ्यूचर होने वाली नवासी को, उसको चांस है, उसकी बहन को, उसकी भांजियों को। तो ये फर्स्ट डिग्री मैटरनल फैमिली रिलेटिव्स कहलाते हैं। तो अगर किसी भी फीमेल को है तो उसके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनको थोड़ा सा अलार्म हो जाना चाहिए, और अपना हर महीने मुआयना, पीरियड्स होने के 2 से 3 दिन के बाद अपना मुआयना करें। और कोई भी अगर जो है वो एबनॉर्मल चीज़ महसूस कर रहे हैं, ना सिर्फ कोई गुठली का नमूदार होना, कोई स्किन चेंज होना, निपल की शेप में चेंज होना, या कोई मवाद का आना, ब्लड का डिस्चार्ज या कुछ, तो फिर फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन अब क्योंकि जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी नज़र आ रही हैं जो हमें लगता है कि अब वो चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं। अगर मैं कुछ कोशिश करूँ कि अल्फाजों को दबा के अगर बात करूँ, आप भी समझ जाएँ और देखने वाले भी, पर अगर कोई फैमिली के साथ बैठा हुआ तो उसे बुरा ना लगे, कि ख़वातीन जो है कुछ इस तरह की चीज़ें भी पहन लेती हैं जो बाद में आपको उस टाइम इरिटेट भी कर रही होती हैं। आपने ड्रेस पहना हुआ, उसके नीचे पहनी हुई, वो इरिटेट कर रही हैं, तकलीफ़ आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, पर आपने कहा है कि नहीं, अब तो यही फैशन में है और हर दूसरी मॉडल और जो है टीवी की बंदी ये पहन रही है, और उन्हीं का ऐड आया है या हमने सोशल मीडिया पर देखा है, तो हम तो ये पहनेंगे। अगर इस तरह की चीज़ें हम पहनते हैं जो इरिटेट कर रही है या बहुत ज़्यादा टाइट है, क्या ये भी चांसेस इससे भी हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैं इसको एक मिथ कहूँगी, ठीक है। एक तो वैसे कपड़े या अंडर गारमेंट्स वो पहने जो कि आपके लिए कम्फर्टेबल, ठीक है। और ये भी बात है कि इस किस्म का कोई भी गारमेंट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज नहीं करेगा, ये एक मिथ है। लेकिन वैसे भी ना पहने, आपको खामखा एक चीज़ चुभ रही है, जो जिन चीज़ों में वायर मौजूद है या आपको चुभ रही है, तो उसको ना ही पहने तो ज़्यादा बेहतर है ना। अगर ब्रेस्ट कैंसर वो नहीं भी करा रहा, लेकिन आपको एक्सटर्नल वुंड करा सकता है, कोई जख्म करा सकता है, एलर्जीज करा सकता है, तो अनकंफर्टेबल गारमेंट्स पहनना सिर्फ इसलिए कि हम अच्छे लगें या हम सोसाइटी में झलक हो जाएं, वैसा ना करें। लेकिन ये बहरहाल कैंसर नहीं कराएगा, कैंसर नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जहाँ वेट बढ़ा हुआ हो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। अब अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूँ, मैं पाकिस्तान की नहीं, मैं सिर्फ कराची की अगर बात करूँ, तो कराची में तो हर दूसरी लड़की जो है वो ओवर वेट है, ठीक है। हर मैं चबी हूँ, मैं मोटों में नहीं आती, स्क्रीन पर थोड़ी सी मोटी आ रही हूँ, पर ये है कि आप देखें हर दूसरी लड़की का वेट बढ़ा हुआ है। तो किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए? आप डाइट भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर लाइफ स्टाइल को भी आप अगर सेट करते हैं, फिर भी और बहुत सारी ऐसी बीमारी है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है, आप थायराइड है, ये है वो है, तो आपको वेट कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन देखिए, इसमें हमें कुछ ना कुछ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ओबेसिटी ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि दूसरे भी जो आपके हेल्थ हज़ार्ड्स हैं वो कॉज करा सकती है ना। कोलेस्ट्रॉल का बड़ा होना, दिल की बीमारियाँ, मुख्तलिफ चीज़ें। अब पहले ये होता था कि बच्चे बाहर खेलने चले जाया करते थे, अब ऐसे हालात ही नहीं है कि आप बच्चों को या बच्चियों को बाहर खेलने के लिए भेजें। लेकिन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बड़ा ज़रूरी है, जहाँ तक हो। अब हालात भी ऐसे नहीं है कि आप कहें कि आप पैदल चल के चले जाएं, लेकिन घर की छत में, घर के कॉरिडोर में वॉकिंग की हैबिट को बनाइए। थोड़ा सा पहले जो है वो लो, एक हल्की वॉक से शुरू करें, देन ब्रिस्क वॉक, देन जॉगिंग। तो सिंपल अगर एक जॉगिंग को ही अपना रूटीन बना लिया जाए, तो उससे आपका वेट जो है वो बड़ा अच्छा बैलेंस रहेगा। नेचुरल ग़ज़ाएँ खाइए, घर का बना हुआ खाना ज़्यादा खाइए, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो इन चीज़ों पे अमल दरामद करके वेट पे थोड़ा सा कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि जिन लड़कियों की शादी हो रही है और शादी होने से कुछ टाइम पहले ही अगर ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है, तो मुझे ये बताएं क्या शादी को रोक दिया जाए कुछ अर्से के लिए? क्योंकि शादी के बाद तो प्रेगनेंसी भी होनी है, फिर बच्चे भी होने हैं, प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। बिल्कुल, जो थोड़ी सी कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती हैं, अद्वियात होती हैं, वो कर सकती हैं, फर्टिलिटी को थोड़ा सा असर कर सकती हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि शादी को डिले करना ज़्यादा बेहतर है, ट्रीटमेंट को डिले ना करें, प्रायोरिटीज़ को अपनी सेट करें। इंशाल्लाह अल्लाह सेहत देगा तो शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रिस्क फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, अपने शादी का जिक्र किया, मैं जिक्र करना भूल गई थी, OCPs या ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स, जो कि फैमिली प्लानिंग की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। कोई खातून अगर बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करे तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर बढ़ा देती हैं। तो अगर कोई ऐसी फीमेल जो है वो शादी कर लेती है और OCPs का यूज़ करती है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो बेहतर है कि शादी को थोड़ा सा डिले करके आप ट्रीटमेंट पे फोकस करें, इन शादी भी हो जाएगी इसमें। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जो ख़वातीन जो है वो चाहती हैं कि अब 2 बच्चे हैं और उसके बाद आप, क्योंकि जितनी महंगाई है तो लोग चाहते हैं कि बस 2 ही बच्चे हों। पहले तो हुकूमत चाहती थी 2 बच्चे हों, अब आवाम चाहती है कि सिर्फ 2 बच्चे हों। तो फिर आप अगर चाहते हो कि ना हो बच्चे, फिर उसके लिए मेडिसिन, इंजेक्शन और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल, वो ख़तरनाक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इसमें जहाँ तक हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, तो 2 तरह की थेरेपीज़ आती हैं, हार्मोनल थेरेपी एंड नॉन हार्मोनल थेरेपी, जिसमें बैरियर मेथड्स वगैरह आ जाते हैं।
तो हार्मोनल थेरेपी को थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है, उसको सिर्फ वहाँ यूज़ करें जहाँ उसकी ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पास बैरियर मेथड्स हैं जो कि बहुत सारे हैं, आपके डॉक्टर पेशेंट जाए तो वो बता सकते हैं, लेकिन इंजेक्शंस और मुंह के ज़रिए खाने वाली जो हार्मोनल अदवियात हैं उनका यूज़ जितना कम हो उतना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि अब जो कम उम्र लड़कियाँ हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है या जो वो खवातीन जिनको 35-40 साल की उम्र में हो रहा है, तो रिकवरी किन लोगों की स्टेज वाइज आप बताएँ कि अगर स्टार्ट में अगर है तो इस एज की लड़कियों को जो है या खवातीन को जो है वो जल्दी रिकवर करती हैं, या जो बड़ी उम्र की खवातीन हैं वो जल्दी रिकवर करती हैं, थोड़ा सा इस हवाले से। अच्छा, एज से ज़्यादा जो है वो ट्यूमर की स्टेज, जैसे कि आपने कहा कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेस्ट कैंसर का ट्यूमर का साइज़ जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम है तो वो बहुत जल्दी जो है वो अच्छा हो जाएगा। स्टेज वन जो है उसमें तकरीबन हम कहते हैं 99-100% तक रिकवरी के चांसेस हैं। अगर ये ब्रेस्ट कैंसर कहीं और नहीं फैला हुआ, बगल में नहीं गया हुआ, जिगर में, लिवर में, या फिर ये कि लंग्स में नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, साथ साथ हम बहुत सारे काम भी कर रहे थे, सवाल नहीं देख रहे थे, बहुत सारे काम भी साथ साथ कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि जब इस तरह के हम प्रोग्राम करते हैं हेल्थ शो में, जब बताते हैं सारी चीज़ें, तो अमूमन लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, खवातीन बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि खवातीन जो है वो थोड़े से नाजुक दिल की होती हैं, बहुत ज़्यादा डर जाती है कि आपके शोज़ देख के बहुत ज़्यादा खौफ आने लग जाता है, वो नहीं भी कोई गुठली हो फिर भी महसूस हम कर रहे होते हैं कोई गुठली है। तो जिन लोगों के साथ है वो इतने मजबूत आसाब के हैं कि एक तो उनको ये होता है कि भाई अगर डॉक्टर जो है वो लेडी डॉक्टर नहीं है, मर्द है, तो मैं उसको कैसे बताऊँ, और अगर कोई कम उम्र बच्ची है तो उसको ये खौफ होता है कि मैं अपनी माँ से किस तरह से ये बात करूँ। तो इन सारी चीज़ों को लेकर क्या करना पड़ेगा कि हम में इतना शऊर आ जाए, माँ बाप में, वालदैन में इतना शऊर आ जाए कि अपनी बच्चियों के अंदर वो चीज़ पैदा कर दें कि अगर उनको ऐसी चीज़ नज़र आ रही है तो वो खुद बताएं। देखिए, सोसाइटी की ट्रेनिंग तो बहुत सारे लेवल पे करना ज़रूरी है, और उस सोसाइटी को ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है कि क्या बातें छुपानी है और क्या नहीं छुपानी। हेल्थ एक ऐसा कंसर्न है जिसमें बातें ना ही छुपाई जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन स्कूल्स में भी आजकल अलहमदुल्ला प्रोग्राम्स शुरू हो गए हैं जिसमें हम जाके बच्चियों को अवेयरनेस देते हैं, कॉलेजेस के लेवल पे, ऑफिसेस के लेवल पे, तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। थोड़ा सा इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है कि अपने हेल्थ कंसर्न्स अपने घर वालों से, अपनी वालदा से, बहन से डिस्कस करें। अलहमदुल्ला फीमेल डॉक्टर्स आजकल बहुत अवेलेबल हैं, उनको जाके बताएं ताकि आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर कितना, अगर उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं कितना एक्सपेंसिव होता है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं कराची के अंदर जो कि सारा इलाज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। मुझे नहीं पता मुझे हॉस्पिटल्स के नाम लेने चाहिए यहाँ पर या नहीं लेने चाहिए। ओके, सो किरण हॉस्पिटल है यहाँ पर, और इसके अलावा बैतुल सुकून हॉस्पिटल एक मौजूद है जहाँ पे फ्री कैंसर का ट्रीटमेंट ऑनकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ ये अवेलेबल है। देन हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरीज, ना सिर्फ सर्जरीज जो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज हैं जिनमें हम एक आर्टिफिशियल ब्रेस्ट भी फॉर्म करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। सो बस ये कि आप सही डॉक्टर के पास पहुँच जाएँ, और अगर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी नहीं है कोई मसला नहीं है, हम पेशेंट को खुद से भेजते हैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स की तरफ, तो वो जाके अपना इलाज करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लेके आए, थैंक यू। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉरेटरी की जानिब से। आज भी कोशिश यही की कि ब्रेस्ट कैंसर पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया जाए, और आज का शो भी यकीनन आपके लिए बहुत सारी मालूमात लेके आया होगा। अपनी होस्ट अनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।